जब कभी भी हम नया एक्वेरियम बनाने की सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही चीज़ का ख्याल आता है कि हमें ग्लास का एक्वेरियम बनाना है, तो ग्लास किस डिमेंशंस में चाहिए और कितनी मोटाई का ग्लास चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेटर तरीका तो यही है कि उसको पहले से कैलकुलेट कर लिया जाए। तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा जो कि मैं फॉलो करता हूं। आप एक ऑनलाइन वेबसाइट है www.theaquatools.com, आप इस साइट का प्रयोग कर सकते हैं। मैं हमेशा इसी साइट का प्रयोग करता हूं। बस एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इस साइट का प्रयोग करें तो केवल इतनी बात दिमाग में जरूर रखें कि इस साइट में जो भी थिकनेस बताई जाती है या जो भी साइट्स हमें चाहिए उनकी जो डिमेंशंस बताई जाती हैं वो विदाउट ब्रेस बार कंसिडर की जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि इस साइट में जितनी भी आपको डिमेंशंस मिलेंगी, साइट्स की लेंथ ब्रेथ जो भी आपको डिमेंशंस मिलेंगी वो विदाउट ब्रेस बार टैंक तैयार करने की होगी। तो अगर इस साइट में आपको 12 mm का ग्लास वो बता रहा है तो आप उसको सेफ्टी फैक्टर जो ऊपर बता रहा है उसको थोड़ा कम करके आप देख सकते हैं कि वो किस ग्लास तक जा सकता है, क्योंकि हम तो ब्रेस बार यूज करते ही करते हैं। अब बाकियों का मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं अपने हमेशा, चाहे छोटे से छोटा टैंक हो और बड़े से बड़ा टैंक हो, तो उसमें सपोर्ट के लिए ब्रेस बार से लगाता ही लगाता हूं। तो आप 1-2 mm तक उसमें कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अगर आप ब्रेस बार नहीं लगा रहे हैं तो फिर इस साइट में जो भी थिकनेस ग्लास की आएगी आप उसे जरूर कंसिडर करें। अभी फिलहाल ही में मेरे पास एक टैंक बनाने का ऑर्डर आया है। साइज है 36 इंच बाय 15 इंच बाय 24 इंच। 36 इंच उसकी लंबाई है, 15 इंच उसकी चौड़ाई है और 24 इंच उसकी ऊंचाई है। तो इस ग्लास टैंक को बनाने के लिए मुझे किस ग्लास की जरूरत पड़ेगी और कितनी मोटाई का ग्लास मुझे चाहिए और क्या क्या डिमेंशंस होंगी वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए पहले मैं आपको इस साइट पे ले चलता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जनरल सिर्फ उस साइट को थोड़ा सा यूज करके दिखाऊंगा। अगर आपको इस साइट के बारे में और कुछ भी जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप उस पर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। तो चलिए समय ना गवाते हुए चलते हैं साइट। पहले आप अपने ब्राउजर पे टाइप कीजिए www.theaquatools.com। तो इस तरह से आपके पास ये एक पेज खुल जाएगा, ये साइट। इस पे आप क्लिक करेंगे DIY ग्लास, एक्वेरियम ग्लास पे। कई बार ये साइट जो है पूरी तरह से इसका प्लगइन ये काम नहीं करता है, तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मैसेज देगा कि रन फ्लैश, आप उसको अलाउ कर दीजिए। अलाउ करते ही ये वेबसाइट जो है पूरी तरह से ओपन हो जाएगी, ये देखिए। और आपको नीचे एक कन्वर्टर मिल जाएगा, उसमें आपको दो वैल्यूज सेलेक्ट करनी है, इंच एंड सेंटीमीटर। आपको अपने ग्लास टैंक की जो डिमेंशंस हैं इंचों में, जो आपको पता है वो आप इंचेस इसमें डालेंगे तो वो अपने आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि अब मुझे लेंथ जो है वो 36 इंचेस चाहिए, तो ये देखिए इसने कन्वर्ट कर दिया उसको। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे लेंथ में भर दे रहा हूँ। इसी तरह मुझे विड्थ जो चाहिए वो 15 इंच चाहिए, और ये वैल्यू मैं ऊपर विड्थ के कॉलम में फिल कर दूंगा। और ऊंचाई जो मुझे, हाइट जो चाहिए वो 24 इंचेस चाहिए, वो भी वैल्यू मैं यहाँ पे फिट कर दूंगा। और ये वैल्यू फिल करते ही आप देखिए इसने 9 mm की थिकनेस निकाली है ग्लास की जो रिक्वायर्ड है, और 2.5 इंची 2.5 सेफ्टी फैक्टर दिखाया है इसने। और नीचे जो है साइड्स की डिमेंशंस इसने कैलकुलेट कर दी हैं सेंटीमीटर्स में। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये इसने
विदाउट ब्रेस बार कैलकुलेट की हैं, तो मैं तो सपोर्ट्स लगाऊंगा, तो अगर मैं सेफ्टी फैक्टर दो करता हूँ, थोड़ा सा कम कर देता हूँ, तो ये 8 mm का ग्लास शो कर रहा है, तो मैं ग्लास 8 mm ही यूज़ करूँगा। और अगर आप यही डिमेंशंस यूज़ करना चाहते हैं, विदाउट ब्रेस बार बनाना चाहते हैं टैंक, तो आप ये डिमेंशंस यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊँगा कि रिक्वायर्ड डिमेंशंस हमें ग्लास कैसे कैलकुलेट करनी है।